राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल इकाई के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंडल आयुक्त से मुलाकात करके उनको एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें एनडीए उपाध्यक्ष द्वारा विगत दिनों 110 कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने पर चिंता प्रकट की गई है एवं उन्हें पुनः नौकरी दिए जाने की मांग उठाई गई। कहा गया है कि एमडीए द्वारा 110 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की अकारण सेवाएं समाप्त कर दिए जाने से उनके परिवारों पर रोजी रोटी का संकट छा गया है। मंडल आयुक्त से इस प्रकरण पर गंभीरता एवं सहानुभूति पूर्वक विचार करके सभी कर्मचारियों को पुनः नौकरी दिए जाने की मांग उठाई गई है। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए मंडल अध्यक्ष जेपी मौर्य ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के जो 110 कर्मचारियों को उपाध्यक्ष द्वारा निकाल दिया गया है सेवा से, उसके खिलाफ हम लोग जो है आंदोलन में परिषद का समर्थन दे रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि तत्काल इसमें हस्तक्षेप करते हुए वो हमारी सेवाएं कर्मचारी की बहाल करें और यदि नहीं होता है तो परिषद इसमें अपना जो है पूरा समर्थन करेगी, आंदोलन में भाग लेगी और पूरे जिले का पूरे मंडल का जो है कर्मचारी इस पर सड़क पर आएगा। और अभी मंडल आयुक्त साहब से मिलने का हमारा कार्यक्रम है, शासन ने भी ऐसे निर्देश जारी किए हैं कि मंडल आयुक्त जो है इसमें हस्तक्षेप करें और इसका निस्तारण कराएं, पटाक्षेप करें इसमें, और नहीं होता है तो फिर हाँ हम लोग हमारे जिले के अध्यक्ष मंत्री हैं और मंडलीय मंत्री हमारे सैयद आसिफ असरे जी हैं हमारे, हम अभी प्रतिनिधि मंडल अभी फिलहाल मिलने आया हमारा मंडल आयुक्त महोदय से, एक ज्ञापन दिया जा रहा है। इस दौरान मंडल मंत्री सैयद आसिफ हसन, जनपद मंत्री मलखान सिंह एवं जनपद मुरादाबाद अध्यक्ष श्रीकांत यादव प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे।